घटना बिहार से है, जहां एक टीचर के द्वारा विद्यालय के ही एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत किए जाने का मामला उजागर हुआ है। इस अश्लील हरकत की सूचना पर ग्रामीण उग्र हो गए और सोमवार को स्कूल में तोड़फोड़ की और शिक्षक को बंधक बना लिया। इस संबंध में सूचना मिलते ही घटनास्थल पर बिदुपुर थाना की पुलिस आरोपित शिक्षकों को अपने कस्टडी में लिया और जैसे तैसे थाने लेकर आई। इस क्रम में ग्रामीणों ने पुलिस जीप पर पथराव भी किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इधर शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को स्कूल में हुई विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक के बाद शिक्षक मोहम्मद इब्रार अली ने सातवें वर्ग की एक छात्रा के साथ अकेले में अश्लील हरकत की। हालांकि छात्रा अपना बचाव कर किसी तरह सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। छात्रा ने इस बात को जानकारी परिजनों को दी। सूचना पर परिजन आक्रोशित हो गए और दर्जनों की संख्या में सोमवार को लाठी डंडे लेकर स्कूल पहुंच गए और उक्त आरोपी शिक्षक मोहम्मद इब्रार अली के साथ मारपीट करने लगे एवं उनकी बाइक और स्कूल का बेंच डेस्क भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीण इतना उग्र थे कि उक्त शिक्षक को बंधक बना लिया और किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। स्थिति बेकाबू होते देख बिदुपुर पुलिस को सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गांव वालों के कब्जे से छुड़ाया। हालांकि जैसे ही पुलिस आरोपित को जीप पर बैठाना चाहा कि ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला बोल दिया। इस मामले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में थानाध्यक्ष धनंजय पांडे ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। Thank you.